वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए अपना वफ्द भेजने का ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब में शिकवा किया कि एपेक्स कमेटी के इजलास में मुतअद्दिद बार कहा कि उन्हें बातचीत के लिए वफ्द भेजने दें, लेकिन किसी से तवज्जो नहीं दी। उम्मीद जाहिर की कि वो मुज़ाकरात करके जो खून बह रहा है उसे रोकेंगे। पहली एपेक्स कमेटी की मीटिंग में कहा, अगली में कहा, फिर एपेक्स कमेटी वहां पर हुई, वहां पर कहा, दोबारा कहा कि मेरी पुलिस का एतमाद खत्म हो चुका है, मेरी आवाम का एतमाद खत्म हो चुका है, आप मेरे नौजवान को, मेरे लोगों को कहां लेके जा रहे हो। मैं कह रहा हूं यार अफगानिस्तान के पास मुझे वफद भेजने दो, बात करो यार। अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी हैं, एक जबान हम बोलते हैं, हमारी 1200 से ज्यादा किलोमीटर की बॉर्डर है, मुझे उनसे बात करने दो। क्या हो रहा है पाकिस्तान में, परवाह ही नहीं है, क्योंकि खून मेरा बह रहा है, मेरा खून क्या पानी है, मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा। अब मैं ऐलान करता हूं यहां पर, आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो, जिस पॉलिसी की वजह से तुम्हें परवाह नहीं है और मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा, मैं वज़ीर सुबह बात करूंगा। मैं बता रहा हूं कि मैं हैसियत सुबह वफद भेज के मुलाकात करूंगा, उनके साथ बैठ के बात करूंगा और वो बात करके इंशाल्लाह मसला मैं हल करूंगा, मैं बचाऊंगा ये जिंदगियां, ये मेरे पे फर्ज है, मेरे अल्लाह को जवाब देना है उस जहान, मैंने तुम्हारी कब्र में नहीं जाना।